केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सहकारी समितियों के जरिए भारत ब्रांड का आटा, चावल और चना दाल सस्ते दाम पर आम जनता को घर घर मुहैया करा रही है। आम लोगों को सस्ता और अच्छा अनाज मिल सके इसके लिए रोजाना भोपाल में 5 से 6 गाड़ियां घूमती हैं, जो लोगों को सस्ता, अच्छा और मोटा अनाज लेने के लिए प्रेरित कर रही है। महंगाई से परेशान लोगों को इससे थोड़ी बहुत राहत मिली है। वो चाहते हैं कि और भी खाने पीने की चीजें सस्ते दामों पर मिले। अगर आप मार्केट में महंगे मिल रहे आटा, दाल, चावल को नहीं खरीद सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने सस्ता अनाज देने की व्यवस्था की है। मार्केट में आटा 40 रुपए किलो, दाल 100 रुपए और चावल 60 रुपए किलो से नीचे नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार आटा के 10 किलो का पैकेट 275 रुपए में मुहैया करा रही है। मोटा आटे की वजह से स्वास्थ्य ठीक भी रहता है और जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, और इसलिए मैदे को ज़्यादा महत्व नहीं देते कि मैदे नुकसान करती है, इसलिए मोटा आटा से। और जैसे घरों में जो लगता है डेली प्रतिदिन जो खाने का सामान लगता है, वो अगर सभी देने लगे तो और भी अच्छा है, राहत मिलेगी, हर राहत मिलेगी लोगों के लिए। चावल खरीदने आए ग्राहक का कहना है कि आटा, चावल, दाल सब सस्ता और बढ़िया है, कम से कम महंगाई से राहत तो मिली और कम पैसे में अच्छा सामान भी मिला। सरकार इस तरह से और सुविधाएं अगर देना चाहे तो तेल वगैरह भी मिल सकता है तो बहुत अच्छा है, और चावल, तेल, चावल, गेहूं, शक्कर, गुड़ भी मिलना चाहिए। अच्छा, दाल भी 60 रुपए दे रहे हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है साहब, ये तो अद्भुत है, अद्भुत बात है एकदम। घर संभालने वाली महिलाएं भी इस योजना से खुश है। उनका कहना है कि ये योजना अच्छी है, लेकिन इसके साथ खाने पीने की दूसरी चीजों पर भी दाम कम होने चाहिए। ऐसी पहल होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना परचेस करना मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा मतलब उन लोगों को भी राहत मिलना चाहिए। और क्या चाहते हैं आपकी मिलना चाहिए? ऐसी घरेलू सामान जो भी, जैसे तेल वगैरह है, ये होना चाहिए इसमें। आपको बता दें कि एक व्यक्ति 20 किलो चावल, 10 किलो मोटा आटा और 2 किलो दाल एक साथ ले सकता है। अगर इसके बाद भी अनाज की जरूरत पड़ती है तो खरीदारी करने वाले शख्स को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद दोबारा उसे इतना ही अनाज और मिल जाएगा। इस योजना के अगले चरण में सरकार अनाज को स्टॉल मार्केट में लगाने की तैयारी कर रही है।